देखो, वर्तमान जो देश की परिस्थितियां हैं, इसमें मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के नायक होने का, सत्ता के अधिष्ठान के शीर्ष पर बैठने का सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने 10 वर्ष से ज्यादा गुजरात में गुड गवर्नेंस देकर के, एक अच्छे प्रशासक की भूमिका में आकर के ये जता दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि कोई व्यक्ति यदि प्रामाणिकता से आगे बढ़ता है तो क्या नहीं कर सकता है। गुजरात में एक दंगा नहीं होने दिया और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के सर्विसेज से लेकर हर क्षेत्र में गुजरात को उन्होंने शिखर पर पहुंचाया। और आज मैं नहीं, पूरे देश के लोग जहां भी जाओ वहां से एक आवाज देते हैं, मोदी लाओ देश बचाओ। और हमने भी इस बात को कह दिया है कि मोदी नहीं तो बीजेपी का समर्थन भी नहीं। मोदी क्योंकि हमारे मुद्दों पर, चाहे वो कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी का मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, उन सब मुद्दों पर मोदी क्योंकि सहमत है, इसलिए हमने मोदी का मुद्दों के आधार पर समर्थन किया है। और यदि शीघ्र ही बीजेपी उनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित नहीं करती है तो हम अपने निर्णय के ऊपर भी पुनर्विचार करेंगे और देश के लिए जो अपना कर्तव्य है उसको किसी भी कीमत पर प्रामाणिकता के साथ निभाएंगे। मोदी आता है तो रुपए का अवमूल्यन वो अब नहीं होगा।